ना ना नहीं हो रहा वो बात। अबे सुन लेजेंड मत, क्या ही अबे वह तो सिंगल पे लग गई यार। एक इस विंडो में भी था, विंडो में भी था। अरे यार मैं उसको मारने को दे दूँगा। एक और स्कोर है। एक नीचे ग्राउंड फ्लोर। तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार। अब इस वीडियो में दो गेम प्ले हैं, दोनों में ही चिकन डिनर रह रहे हैं, मतलब शुरुआत से लेकर आखिर तक कतई मजे मजे हैं और किल तो काफ़ी सारे हैं। लेकिन उससे पहले एक कमाल के अनाउंसमेंट। आपको याद होगा कि कल मैंने करा था AWM के लिए एक स्पिन और उसमें आपसे एक वादा करा था कि मेरी जब AWM निकल आएगी और जितने UC मेरे पास बचेंगे उतने का मैं गिव अवे करूंगा लगभग अप्रॉक्स में, ठीक। तो भैया आज अनाउंसमेंट है, तो हम लोग गिव अवे कर रहे हैं 4200 UC का, जो कि आप में से किसी एक लकी विनर को ही मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग कि आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हो। तो भाई बहुत सिंपल सा तरीका है। तो ये अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट मैंने कल की वीडियो में करी थी, तो कल की जो मेरी वीडियो है लकी स्पिन वाली, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कल ही वीडियो डाली थी तो आराम से मिल जाएगी। तो उस वीडियो को आपको लाइक करना है और उस पर कमेंट करना है आपका पबजी आईडी, मतलब जो भी नंबर्स होते हैं वो, और आपका पबजी नेम, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि इसी के थ्रू मैं आपको यूसी भेजने वाला हूँ। तो उस बात का ध्यान रखना कि कमेंट में ये दोनों चीज़ें ज़रूर मेंशन करना, और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, क्योंकि जो भी लकी विनर होगा अगर उसे यूसी भेजने में कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं उससे इंस्टा पे ही कॉन्टैक्ट करूँगा। तो आपको इंस्टा और मेरी उस वीडियो की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आपको पता है क्या करना है, उस वीडियो पे जाना है, उस पर लाइक करना है और कमेंट कर देना है अपना पबजी नाम और पबजी आईडी। अब फिलहाल बात करते हैं इस गेम प्ले की। तो इस गेम प्ले में हम लोग खेल रहे थे लेजेंड और लेजेंड के साथ। भाई साहब इन दोनों के पता नहीं क्यों नाम एक जैसे हैं, कतई बहुत कन्फ्यूजन होती है बोलने में। फिलहाल जो भी हो, यहाँ पर ये लोग काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के मार रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे को काफ़ी किल मिल गए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ओवर कॉन्फिडेंस आपको हमेशा मराता है, और क्यों मराता है देखना। लेजेंड भैया कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस में थे और किसी ने इनको धर भी लिया। फिलहाल लेजेंड कह रहा था ये बॉट है, लेकिन भाई साहब ये बंदा निकला। हमेशा भाई एकदम सतर्क रहा करो, अगर मैं बॉट समझ के घुस गया होता ना अंदर तो भाई ये मेरे को खा जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा प्रिकॉशन कह सकते हो या फिर थोड़ा सतर्क था तो आराम से इसको मैंने फिनिश कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आए क्योंकि भाई साहब यहाँ पर एक बंदा था। आप देखो लेजेंड पहले से अंदर घुस चुका था और लेजेंड यहाँ पर नेट डाला था, तो मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरे को ये किल मिलने वाले, तो मैं बस गया सपोर्ट देने और वो भी कोई काम का नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इसको मारा मैं छत पे चढ़ गया और भाई साहब बस किस्मत देखते जाना, बंदे बॉट सब सिर्फ मेरे को मिल रहे थे और मैं सबको खा गया। अब भाई जब सामने मेरे को एक बंदा दिखाई दिया था और उसका जिस हिसाब से मूवमेंट था मेरे को लग रहा था कि ये कोई बंदा है जो कि शायद घर में जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। भाई ये तो सिर्फ एक बॉट था जो एंजॉय कर रहा था। फिलहाल जो भी हो, हम लोग को एक फ्लेयर मिली थी और वो फ्लेयर हम लोग ने चलाई थी और हम लोग को उस फ्लेयर को लूटना था, लेकिन जैसे हम लोग फ्लेयर लूटने जा रहे थे भाई यहाँ पर एक पूरी गाड़ी भर के बंदे आ गए। अब भाई साहब इनको आराम से निपटा दिया, उसके बाद ड्रॉप से हम लोग को अच्छी अच्छी गन मिल गई, तो इसको हम लेके आगे बढ़ गए।
अब भाई साहब देखो, यहाँ पर एक बंदा था, टीम था, और लेजिट ने कहा ये नूबे आराम से मार लेंगे, और जरा देखो फिर वो कैसे पलटा अपनी बात से। भाई साहब कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इतना तो मैंने सीखा है। अब फिलहाल इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस करी थी, मैं उसी डायरेक्शन में नहीं गया जिस डायरेक्शन में लेजिट और लेजेंड जा रहे थे, बिकॉज मेरे को पता था कि अगर कुछ गलत हुआ तो तीनों मर जाएंगे, तो इस वजह से मैं दूसरे डायरेक्शन से गया और उसी वजह से मैं इनको बचा पाया। फिलहाल लेजिट को तो उसने गाड़ी से कुचल के फिनिश कर दिया था, लेजिट गुस्से में आके एग्जिट कर गया, लेकिन लेजिट को मैंने बचा लिया। अब जो भी हो सिर्फ दो बंदे बच रहे थे और उनको ढूंढने में हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई। अब यहाँ पर मैंने लेजेंड के मुझे उसका गिल चुरा लिया, और आखिरी बंदा तो भाई कतई पीछा हुआ था। भाई साहब ये रहा हमारा पहला इजी चिकन डिनर। अब इसके बाद लेजेंड भैया तो गुस्सा के चले गए, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट करा स्कूबी ने। तो यार यहाँ पर हम तीन अब खेल रहे थे, और इसमें भी हम लोग को रोकने वाला ऑलमोस्ट ना के बराबर था कोई। अब फिलहाल यहाँ हम लोग जा रहे थे नोवो चेक करने, क्योंकि उधर से एक फ्लेयर चली थी, लेकिन तभी हम लोग को पीछे एक गाड़ी दिख गई, तो हम लोग गाड़ी रोक के ही खड़े हो गए। अब लेजेंड गाड़ी से जाना चाह रहा था, लेकिन मेरे को एक बात पता थी कि वो ऑलरेडी हम लोग को देख चुके हैं और रिच का कवर लेके रुके हुए हैं, तो अगर हम गाड़ी से जाते तो हम लोग डिसएडवांटेज में होते, तो यहाँ पैदल जाना ज़्यादा सही था, क्योंकि हम तब घास में कहीं भी प्रोन होकर बच सकते थे। अब इनको तो हम लोग खा गए, लेकिन इनके दो बंदे थ्री स्टोरी पे रुके हुए थे और उन्होंने लेजेंड टक को भैया ठोक दिया। अब ये भाई साहब जिस हिसाब से गाना गाते हुए नॉक हुए ना, कतई खुश बहुत से नॉक होने के बाद। फिलहाल जो भी मैंने स्मोक कर दिया और स्कूबी ने लेजेंड को रिवाइव दे दिया, और उसके बाद मैं आगे गया। अब यहाँ पर वो लोग गाड़ी से आ रहे थे, तो मैं पैदल उसी टाइम पे गया, और ये मेरी गलती थी यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैंने उसको काफी डैमेज दिया था, लेकिन अब यहाँ पर मेरी फटी पड़ी थी कि ये लोग मेरे को कहीं मार ना दे। लेकिन तभी मेरे सामने स्कूबी प्रकट हुआ, जो कि मेरे लिए शील्ड बन गया और सारी गोलियां खा रहा था, और लेजेंड गया पीछे से सबको खत्म करने। और भाई साहब कतई कमाल के कोऑर्डिनेशन की वजह से यहाँ पर मैं बचा एक चमत्कारी तरीके से। अब भाई साहब मिल्टा पावर की थ्री स्टोरी में एक बंदा था जिसके पास M24 थी, और भाई साहब उसने वहां से हम लोग को एकदम छेद दिया था, लेकिन तभी यहां पर एक गाड़ी आई और मैं ऐसे शूट ही करता रह गया, लेजेंड सारी किल ले गया। अब यार ये जो एम लॉक होता है ना, ये असल में उनका होता है जो होल्ड या मिक्स पे यूज करते हैं अपने स्कोप, तो अगर आप होल्ड या मिक्स पे यूज करते हो तो आपका एम लॉक होगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है, और उसकी वजह से वो बंदा बच के निकल गया, लेकिन उसका पीछा करते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ पर हम लोग को कोई और ही मिल गया। अब भाई साहब इसको भी AWM लेके अंदर घुसा था। फिलहाल जो भी हम लोग का गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया, तो हम लोग को पैदल इतनी दूर जाना था, और मेरे को शक था कि वो जो बंदा बच के निकला है वो यहीं कहीं छुपा हुआ है, और तभी वो मेरे को दिखा। अब मैंने उसको भर के डैमेज दिया था, तो स्कूबी गया उसके ऊपर पुश करने, और मैं और लेजेंड ने पूरे थ्री स्टोरी में भैया नेट भर दिए। अब इसको भी ऑलरेडी इतना डैमेज दे चुका था कि मेरे को कुछ टेंशन की जरूरत नहीं थी, तो मैं उसको आराम से मार दिया। अब सिर्फ एक बंदा बच रहा था जो कहीं पर प्रोन था। भाई साहब कतई इजी चिकन डिनर।